जयपुर के सीतापुरा में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर एम एल स्वर्णकार के समारोह में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में मेडिकल डेंटल एलाइड मेडिकल कोर्स के करीब 200 से अधिक डॉक्टर्स को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां दी गई। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत में चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। नायडू ने योग के महत्व को बताते हुए मातृभाषा पर फोकस देते हुए कहा कि भाषा और भावना एक साथ चलती है, इसलिए मातृभाषा को अधिक महत्व देना चाहिए। वहीं नायडू ने मेडिकल स्टूडेंट्स को माता पिता, जन्मभूमि, मातृभाषा, देश, भारतीय होने पर गर्व होने और गुरु को हमेशा याद रखने जैसे 5 मंत्र दिए। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एमएससी, बीएससी, पीएचडी इन मेडिकल सब्जेक्ट्स एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स इन पैरा मेडिकल साइंसेज विद एन अटैच्ड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैविंग मोर देन 1500 बेड्स। आई एम टोल्ड दैट इट हैज सो फार सक्सेसफुली डन मोर देन 650 किडनी ट्रांसप्लांट, 14 लिवर ट्रांसप्लांट, 2 हार्ट ट्रांसप्लांट, 1 पैंक्रियास ट्रांसप्लांट एंड अ लंग ट्रांसप्लांट इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। Really, very good achievement and performance. I am told that a modern cancer therapy center and super specialties of neurosurgery, cardiac surgery, urosurgery, and transplant surgery have been recently added. I must compliment Dr. Swadhakar and his team for their commitment and dedication and working in the direction of making this institution as one of the foremost centers of excellence in terms of quality teaching, ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन एंड अफोर्डेबल पेशेंट। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।